और मैं दावा दे रहा हूं उसके किसी हामी को, और मैं दावा दे रहा हूं उसके किसी हामी को, उसके किसी हामी को, शर्क अब तक अगर किसी में कोई रत्ती भर भी हिम्मत है वो मेरे सामने नहीं लैदा बैठ गई मेरी इन दलीलों का जवाब देकर नेट पे चढ़ा दे। मगर सूरज मगरब से शुरू हो सकता है, इमाम अहमद रजा बरेलवी के मसलक को कोई छेड़ नहीं सकता। फिर से एक मर्तबा अशरफ जलाली की वो बासी कड़ाही में फिर से उबाल आया और उसने दोबारा से अहले सुन्नत के उलमा को मुनाजरे का चैलेंज करते हुए कहा कि वो हमसे इस हवाले से आकर बात। अशरफ आसिफ जलाली ने जो मुनाजरे का चैलेंज किया है जिन लफ्जों के साथ किए, हमें उसके उन लफ्जों के साथ वो मुनाजरे का चैलेंज कबूल है। और मैं इस वक्त पिशावर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ से लाहौर 5 घंटे का सफर है। अगर वो लाहौर के अंदर मुनाजरे का चैलेंज कबूल करने की वीडियो बनाते हैं, मैं 3 दिन यहाँ हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा, वो जिस जगह बताएंगे वो जगह हम तय करेंगे दोनों तरफ से फरीकैन, और वहाँ जो तारीख बताएंगे वो तारीख फरीकैन तय करके हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। और अगर मेरे कराची में जाने के बाद उन तक ये वीडियो पहुंची या उनको जोश आया और फिर से उन्होंने कभी मुनाजरे का चैलेंज किया तो इंशाल्लाह हम फिर से उनके इस मुनाजरे के चैलेंज को कबूल भी करने को तैयार हैं। और फिर से एक बार मैं आप हजरात को कह रहा हूं कि पूरी मिल्लत रज़ा खानिया को मेरी तरफ से ये दावत आम है, वो जब जिस मौजू पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सेनेट से लेकर वो किसी टेबल टॉक, किसी टीवी पर या किसी और मौजू पर अपने किसी मुस्तनद आलिम को लेकर आ जाएं और इत्तेहाद उम्मत के पेश नज़र, मुल्क के हालात के पेश नज़र, मुल्क में अफरा तफरी से बचने के लिए, मुल्क के अंदर झगड़े और फसादात से बचने के लिए, आपस के इत्तेहाद और आपस के अंदर जो है लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, इत्तेहाद को पैदा करने के लिए वो कभी भी हमारे सामने आकर बैठें, इंशाल्लाह हम उनसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन कभी भी मिल्लत रज़ा खानिया वालों के मुँह से कोई एक जुमला भी निकलेगा तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से उनको जवाब दिया जाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने गुफ्तगू की अपने मसलक के लोगों के लिए, यह मैंने उन लोगों को कहा कि जो नाम निहाद रिज़वी से तो चिमटते हैं और रज़ाक से दूर भागते हैं, लिहाजा मैंने अपनों को यह समझाया और उन्हें कहा अगर मुनाजरा करना है, दलील देनी है तो आ जाओ। वो गुफ्तगू थी मेरी उन लोगों के साथ जो फतावा रिजविया को मानते, जो इमाम अहमद रजा को इमाम कहने के दावेदार हैं अगरचे मक्का है, उनसे थी वो खुशरनमान पलवी के जिन्होंने उसके लिए अपने ट्विटर पर शहीद के लफ्ज लिखे। मैंने उन जालिमों को झंझोड़ के कहा, अभी इनसे तो मेरी बात ही नहीं थी, मैंने अपने मसलक के लोगों से कहा। और मैं दावा दे रहा हूं उसके किसी हामी को, और बाकी ये लोग तो मैं सीने पे हाथ रख के कह रहा हूं, तुम कहां से आए थे जब मुमताज कादरी का केस मैं लड़ रहा था, तुम कहां थे जब पीजे मीर के प्रोग्राम में तायर अशरफी के तोते मैं उड़ा रहा था, तुम कहां थे जब पाकिस्तान के हर जिले में FIR मुझ पर कट रही थी, तुम कहां थे जब कई लीडर ट्रक से छलांगे मार गए थे डी चौक से पहले, मैं लेके गया था मुमताज कादरी के काफिले को डी चौक में। सिर्फ नेकी के एक दो काम देखकर ये ना कहो कि ये पास हो गया है, हुनैन में वो तो काफिरों को मार के खुद जहन्नम में खुद चला गया। अगर हुनैन के मैदान में नबी के गुस्ताख को कत्ल करके भी वो जहन्नमी था कुजमान नामी बंदा, तो ये सिर्फ दो पोस्टर लगा के ये कैसे जन्नती बन गया? अगर ईमान नहीं है तो कोई कमाद से निकले और वीडियो बना के मेरा नाम लेके के मुनाजरा करो, कमादों से निकलने वाले नहीं, कोई अपना है तो लाओ। सुने दो बंद वालो, अब मेरी तुमसे बात है, जो भी बिल से बाहर निकले अशरफ आसिफ जलाली आ जाओ मुनाजरा करो,
जो भी कमाद से बहरा है, अशरफ आसफ जलाली आओ मुनाजरा करो। और आपने कहा जी कमाद से निकलकर आ गए और मुझे मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। आपके यहाँ कोई मुनाजरे की ऐसी किताब मौजूद है कि जिसमें यह लिखा हुआ हो कि मुनाजरे का चैलेंज कबूल करने के लिए किसी मखसूस जगह पर बैठना पड़ता है, मस्जिद के किसी मेहराब में बैठना जरूरी हो, या जनाब कमाद से निकल के नहीं आना चाहिए, वो पीछे कमाद नजर नहीं आना चाहिए, पीछे दरख्त नजर नहीं आने चाहिए, दरिया नजर ये नजर आ गया तो जी वो तो फिर मुनाजरे का चैलेंज होगा ही नहीं। आप वो आपकी हैसियत से कम हो गया, क्यों कि वो जनाब पीछे दरख्त थे और इसलिए मुनाजरे की। ये आप ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, नाचना है आंगन टेढ़ा, आपने मुनाजरा करना नहीं तो आप उसके लिए जनाब छोटे छोटे बहानों का सहारा ले रहे हैं। ये हो गया, ये पीछे चूंकि कमाद है, पीछे चूंकि दरख्त हैं, पीछे नहर, इसलिए जी कमाद से निकल गया मुझे चैलेंज कर दिया तो इसकी कोई। ये कौन सी आपने किताब पढ़ ली अशरफ जलाली साहब, ये दुनिया में आपने कौन सी किताब पढ़ ली जिसमें आपको ये लिखा हुआ मिल गया कि पीछे दरख्त नजर आए तो मुनाजिर का चैलेंज उसका जो है जवाब चैलेंज कबूल नहीं किया जाता। ये आपने कहां से पढ़ लिया? कोई खुदा का खौफ करें जलाली साहब, 6 दिन वो भी गुजर गए, 3 दिन वो भी गुजर गए, अब आपके पास क्या रहा? याद रखें जलाली साहब, मैंने आपके जवाब चैलेंज को कबूल किया है। अगर आपने कभी गैरत आई और कभी हिम्मत पैदा हुई, और नहीं आएगी, ये तो मैं पहले से कह चुका हूं कि आप जो है समंदर पी लेंगे, आप नहीं आएंगे सामना करने के लिए, मैं आपसे मुखातिब हूं और मैंने आपको चैलेंज नहीं दिया। अगर मैंने दिया होता तो मैं अपनी शरायत में मैंने अगर आपको चैलेंज दिया होता फिर आप कहते कि तू मुझे चैलेंज दे रहे, मैं फलां को, आपने तो खुद चैलेंज दिया है और हमने आपके चैलेंज को कबूल कर लिया है, हम ही होकर हम उसके चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है, मैदान में आए, हिम्मत करें, बाजू चढ़ाएं और सामने बैठें, फिर आपको पता चलेगा किसकी हैसियत क्या है और किसकी हैसियत क्या नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।